तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में बात करने वाले कि आप इंस्टाग्राम रील्स कोलैब कैसे करें। कोलैब करने के कई सारे फायदे हैं। अब जिस क्रिएटर के साथ रील कोलैब करेंगे उसका जो फैन होगा या उसका जो फॉलोवर होगा वो उसके पास आपका रील जाएगी। अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपको फॉलो भी कर सकता है और आपका आईडी पे काफी न्यू फॉलोअर्स भी आ सकते हैं। यानी कि आप जिसके साथ कोलैब करते हैं उसका फैन सब आपको फॉलो करेंगे। यानी कि सोचेंगे एक दोनों साथ कोलैब किए हैं तो इसको भी फॉलो कर लेते हैं। यानी कोलैब करने के साथ बहुत फायदे हैं, तो आप कोलैब कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कोलैब कैसे करते हैं तो वीडियो के लास्ट में बने रहें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस वाला जो दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको रील्स के ऑप्शन पे आ जाना है। रील्स के ऑप्शन के आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह सिंपली यहाँ पे प्लस वाला पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो रील्स आपको छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ रील्स इस पर सिंपली इस तरह क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो रिव्यू दिया ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ फिल्टर भी लगा सकते हैं, ऐसे जैसे कोई फिल्टर आप लगाना चाहते हैं तो फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसमें कोई फिल्टर लगा सकते हैं, ऐसे ही रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कुछ इस तरह यहाँ से लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख के आप यहाँ से डाल भी सकते हैं इस तरह। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट कवर फोटो है सिंपली आपको इस पर भी यहाँ से इस कवर फोटो इस तरह कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्लस वाला क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको टाइटल लिख देना है वो। उसके बाद यहाँ हैशटैग आप डाल सकते हैं, जैसे कोई भी हैशटैग डाल सकते हैं। उस पर सबसे लास्ट में यहाँ जो आता है लास्ट में ऑप्शन में आ रहा है टैग पीपल। यहाँ जो इधर से फर्स्ट नंबर में दिख रहा है जो ऑल्सो शेयर फीड, यहाँ पे उसके नीचे में टैग पीपल है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रही है, एक है ऐड टैग, एक है इनवाइट कोलेब्रेशन। ऐड टैग में आप किसी अपने फ्रेंड के साथ टैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन में दिख रहा है इनवाइट कोलेब्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप जिसके साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं आप सिंपली उसका आईडी यहाँ सर्च कर लीजिएगा। उसका आईडी सर्च करके आपको उस पर क्लिक कर लेना है, जैसे कि हम आईडी सर्च कर लेते हैं। सो आईडी पे क्लिक कर लीजिए। उसके नीचे में यहाँ दिख रहा है इस तरह आईडी यहाँ आपका शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ ऊपर में जो दिख रहा है साइन वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर साइन कर लेना है। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह सिंपली आपको यहाँ शेयर कर देना है। रील शेयर हो चुके तो उस आईडी पे चलते हैं कि आप जिसके साथ कोलेब्रेशन करते हैं देखते हैं वो कैसे रिव्यू करता है। तो सबसे पहले आपको उस आईडी पे चल जाना है। आपको उसके बाद आपको यहाँ सिंपली मैसेज में जाना है। मैसेज के जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है इनवाइट कोलेब्रेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं आप आपका ऑप्शन नहीं आ रहा रिव्यू करने का, तो आप क्या करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ जो दिख रहा है इस तरह ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर लाइक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह रील पे टच कर लेना है। रील पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रिव्यू का ऑप्शन, आपको यहाँ से इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते ही आपका जो रील है वो कोलेब्रेशन हो चुका है। आप यहाँ जिसके आप यहाँ देख रहे हैं कोलैब हो चुका है, यानी कि आपको ये इस तरह एक बार रील भी दिखा रहे हैं जो कि इस तरह दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह रील आपका कोलैब हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।